अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक आप सबको सेहत के साथ रखे, खुश रखे, आमीन सुम आमीन। हम लोग निकल गए हैं डेरा जाने के लिए। डेरा नाइफ मार्केट अबाई की बहुत फेमस मार्केट है, जहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है अबाई की और बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है। और ये हम लोग फ़िलहाल एंटर हो गए हैं डेरा में। ये रौनक वाला एरिया नज़र आ रहा है ना, ये जस्ट लाइक पाकिस्तान में जो तारिक रोड और सदर टाइप का है। ये मुझे लगता है जब भी आते हैं यहाँ पर रौनक भी वैसे ही होती है, शॉप्स भी वैसे ही होती है और रौनक बहुत ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर यह प्रॉब्लम है ना कि 10 o'clock पर सब मार्केट क्लोज़ हो जाती है। यहाँ का ऑफिशियल टाइम जो है ना डेरा का, वो 10 o'clock होता है। तो 10 o'clock पर सारी मार्केट ऑफ हो जाती है। जो नज़र आ रही है ना स्ट्रीट, ये पूरी अबाई की मार्केट है और काफ़ी बड़ी बनी हुई है ये मार्केट। यहाँ पर ना आपको शूज़, बैग तो इतने ज़्यादा नहीं, बाकी ब्लैंकेट, बेडशीट, कच्चे कपड़े, ये जो सारे क्लॉथ्स नज़र आ रहे हैं ना थान में। अभी हम बस पार्किंग को फाइंड करें कि पार्किंग मिल जाए। डेरा में पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। और जहाँ पर होती है ना पार्किंग 10 धर्म्स में, तो वहाँ भी फुल है क्योंकि आज वीकेंड है, तो इस वजह से पार्किंग पूरी फुल है। तो देखते हैं कहीं पार्किंग मिल जाती है तो फिर स्टॉप करके, वरना फिर मेरे हस्बैंड हमें ना यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे अबाई की मार्केट के बाहर, और फिर हम उसमें एंटर होकर अबाई की मार्केट में चले जाएंगे। तो ये फ़िलहाल मुझे तारिक रोड की याद आ जाती है। यहाँ पर आके सारे क्लॉथ्स वगैरह और सब इस तरह के लग रहे होते हैं। इसको नाइफ सूक और नाइफ मार्केट दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पर अबाई के साथ साथ जलेबियाँ, जो कंदूरे होते हैं वो, और लेडीज़ जलेबियाँ वो भी होते हैं यहाँ पर अवेलेबल, स्टिच होते हैं ज़्यादातर। तो देखते हैं। और ये 35 dirhams की अभी ये शॉप ओपन हुई है, पहले नहीं थी। बैग और शूज़ वगैरह इसके अंदर हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी होते हैं ना, जिस वजह से बच्चे बड़ा तंग करते हैं बाहर रहने के लिए। अब जब भी निकलो तो उसमें बच्चों के टॉयज़ की शॉप इतनी है। यहाँ पर नाइफ सूक में भी है अंदर और बाहर भी, ये जो शॉप्स नज़र आ रही हैं उसके बाद भी जगह जगह बच्चों की टॉयज़ की शॉप है ना, जिस वजह से बच्चों को वहीं खड़ा होना होता है, मोहम्मद हमदान को तो स्पेशली। और ये बहुत तंग कर रहे होते हैं। उसको हेलीकॉप्टर नज़र आ गया तो वो कह रहा है मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो खैर उतरेंगे अभी, फिर उसके बाद इसको टॉय दिलाएंगे। दिलाऊंगी तो नहीं मैं, लेकिन फ़िलहाल इसको कुछ ना कुछ करके संभालना है, क्योंकि मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देगा ना बाया कुछ देखने देगा। ये भी हम बाहरी मार्केट में घूम रहे हैं कि फ़िलहाल पार्किंग मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर गामन मुझे ड्रॉप कर देंगे तो फिर मैं वो अबाई की मार्केट में एंटर हो जाऊंगी। तो बाहर की ये मार्केट है जो कि बिल्कुल तारिक रोड और सदर टाइप बनी हुई है पाकिस्तान की इस हिसाब से, और रौनक भी वहाँ के जैसी ही है जो रौनक होती है ना। तो ये एंटर हो गए, हम बाहर आ गए हैं अबाई की मार्केट के बाहर। ओके, ये प्रिंटेड अबाई जो है ना फैशन में तो ट्रेंडिंग में है। ये वाइट वाला, ऑफ वाइट वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। और ये सब 50 dirhams के थे। नाइफ सूक में ना जो बाहर अबाए होते हैं वो सारे 50 dirhams के होते हैं, बट उसका कपड़ा थोड़ा सा इतना अच्छी क्वालिटी नहीं होती, बट रेगुलर यूज़ के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने वगैरह के लिए आपको सही रहता है। वो ये शाइनिंग वाले अबाए भी मुझे नज़र आए, क्योंकि ये फिर आजकल चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में हैं। तो ये कलर्स के काफ़ी प्यारे लग रहे थे, खूबसूरत से कलर्स थे। ब्लैक में भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये पर्पल भी अच्छा लग रहा था, बट कपड़ा मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। और ये 50 dirhams के थे सारे, बट ये है कि कहीं फैंसी तौर पर पहनने के लिए ठीक है। ये फैंसी भी थे, ब्लैक वाला हुदा को अच्छा लग रहा था, तो कह रही थी मम्मा ये ब्लैक वाला भी ले लें वीडियो में। ये देखिए 50 dirhams में काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन होता है, काफ़ी ढूंढ ढूंढ के इसमें निकालने पड़ते हैं कि कोई अच्छा भी पीस निकल आता है तो आपको पहनने में सही रहता है, जो रेगुलर के लिए तो वो सही रहता है। अंदर वाली मार्केट में अभी चलते हैं, अंदर इसी के अंदर हम जाएंगे तो अभी मार्केट अबाई की स्टार्ट हो जाएगी। उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी, कलेक्शन, कलर्स, प्रिंटेड, हर तरह का अबाया ना आपको यहाँ डेरा की नाइफ मार्केट में आपको मिल जाएगा। प्राइस भी कर देते हैं बाहर वाले, कर देते हैं अंदर भी थोड़ा 19-20 हो जाता है। ये अंदर की मार्केट में एंटर हो गए जो कि पूरी अबाया मार्केट है। साथ में यहाँ पर हूद और बखूर की भी बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं जो कि देते हैं, और पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं वो नहीं पता। ये ज्वेलरी में भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, ब्रेसलेट्स थे, कुछ इयररिंग्स वगैरह थे, नेकलेस थे, तो सब डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में थे। और ये अबाय में स्टोन वाला कलेक्शन बहुत ज़्यादा आया आजकल, शायद मेरा ख्याल से ट्रेंडिंग में होगा। कलरफुल और प्रिंटेड भी बहुत थे, ब्लैक अब नॉर्मल लोगों ने ज़्यादा कम कर दिया था। थैंक यू। तो ब्लैक कलर अब ज़्यादातर कम कर दिया, लेकिन ब्लैक में भी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, तो जिसको जिस तरह से पसंद होगा उस तरह से लेंगे। शैला की शॉप आ गई है, स्टॉल्स शैला जो भी चाहिए। ये टिकटॉक वाले मुझे ज़रा से फ़नी लग रहे थे तो मैंने वो भी वीडियो में लिया है कि टिकटॉक वाले भी स्कार्फ आ गए हैं, स्टॉल्स आ गए हैं, और कलर्स में भी थे। और ये ब्लैक वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट ऐसा लग रहा था मुझे हाथ पर ना चुभन जैसा हो रहा था, बट स्टाइल इसका अच्छा लग रहा था ब्लैक कुर्ती वगैरह के साथ, तो ये अच्छा था काफ़ी।
ये देखिए ये प्रिंटेड भी हैं अबाय, ब्लैक के साथ प्रिंट में हैं और दूसरे कलर्स में भी हैं, ब्लू है, प्रिंटेड हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी थी, कलेक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर डेरा में मार्केट में। और ये ऊपर से एक व्यू था, ये बड़ा खूबसूरत सी बनी हुई है नाइफ मार्केट अंदर से, ये एक्सीलेटर ऊपर से नीचे जाने वाले, और ये मार्केट में रश थोड़ा सा कम था वरना इससे भी ज़्यादा होता है अबाय का। ये बखूर की शॉप है जो नज़र आई ना, ये सब बखूर यानी कि लोबान जो हम जलाते हैं उसको बखूर बोलते हैं, तो उसकी शॉप है। ये सारे अलग अलग ये डिफरेंट कलर्स के अबाय। ये एक अबाया मुझे बहुत पसंद आया, जो कि मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने लिया या नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। 200 दरहम्स बोल रहे थे भाई, फिर उन्होंने बोला कि अगर लोगे तो मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा, तो ये था। और बाकी ये ऊपर ये कलेक्शन तो मुझे कुछ पुराना सा लग रहा था, बट जिसको हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आता है तो बस ये देख लेंगे। और ये कलर्स में भी थे अबाय, और हमदान यहाँ पर गुम हो गया था, बाहर हमारे साथ आया, फिर वो भाई इसको लेकर आई आया। पॉपकॉर्न की शॉपर ऐसे संभाली थी हाथ में, इसको मैंने पॉपकॉर्न दिला दिए थे जो इन्जॉय कर रहा था। ये बटरफ्लाई स्टाइल में ये कलर में भी अच्छा लग रहा था, इसके तीन कलर थे, लाइट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन और एक ब्लैक कलर, तो ये तीनों भी बड़ा अच्छा था, लेकिन इसके ऊपर आयरन नहीं हो सकती थी, ये कपड़े से स्टाइल का था कि आयरन नहीं होगी, बस वॉश करके ऐसे ही हैंग कर दो इसको, तो ये भी अच्छा लग रहा था। एक ये ग्रे भी अच्छा लग रहा था, तो कलर्स में भी अच्छा लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के ट्राई करने चाहिए। ब्लैक वाले में तो मेरी जान फंस गई थी जो कि मुझे बेहद पसंद था, बट इसको ये था कि हैंड वॉश था, अगर मशीन में डाला या ज़रा सा भी कहीं फंसा तो निकल जाना था। ये ग्रे भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन और काफ़ी ज़्यादा वेराइटी डेरा की नाइफ मार्केट में आप लोगों को मिलेगी। काफ़ी रिजनेबल कर देते हैं प्राइस, काफ़ी तो नहीं थोड़ा बहुत कर देते हैं, 200 दरहम से इनकी प्राइस स्टार्ट होती है, फिर थोड़ा कम कर देते हैं 19-20। तो ये भाई ये हमारे हैं, ये आप लोग अगर इनकी शॉप पे जाएंगे, इन्होंने शॉप नंबर बता दिया है हुदा हमदान के नाम से, तो ये आपको थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। और ये देखिए ये फैंसी अबाया भी शायद दुल्हनों के लिए होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं, तो ये फैंसी था, और एक ये वाला अबाया भी था जो कि अच्छा लग रहा था। ये वाले का डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बट मुझे ये वाले ना पहनने में इस तरह के समझ नहीं आते, कामरन को ये वाला अच्छा लग रहा था मेरे हस्बैंड को, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया था, फिर मैंने छोड़ दिया। ये स्टोन वाले तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हो सकता है पहनते लोग, काफ़ी लोग पहनते हैं स्टोन में उसमें, और ये देखिए फिर से मुझे यही पसंद आने लग गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, अल्लाह हाफिज़।